भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा बूथ विस्तार की योजना 2.0 अभियान अंतर्गत धार जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महू में आदिवासी युवती की मौत मामले पर कांग्रेस संगठन पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को झूठ का पर्याय बताया। मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है और दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जो इस मध्य प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं, झूठ छल कपट की राजनीति करना। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस और झूठ ये एक दूसरे के पर्याय बन गए। अरे जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में रिपोर्ट में जब आता है कभी क्या कानून, समाज देश कानून से चलता है, क्या परिस्थिति थी, क्या हुआ है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी पर कुछ आता है तब आपको कहना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यह लिखा जाना कि बलात्कार और इस प्रकार की चीजें उनके साथ ये हुआ और ये शर्मानी चाहिए। किस आधार पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल पर ये बातें लिखी गई? आप इस मध्य प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ही इंक्वायरी पुटअप की, उन परिवार के साथ खड़े हुए, और जिसने वो घटना की सत्यता क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जहां वो उस परिवार के लोगों ने, जिन्होंने भी जब कंप्लेंट की है वहां कहा गया तो उनके खिलाफ FIR हुई है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, सारी चीजें होने के बाद कांग्रेस झूठ का पुलिंदा बनकर के इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी है। आपने देखा है कि उनके जो सर्वश्रेष्ठ कांग्रेस के उनके नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। कल तो वो कह रहे थे कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं, बाद में फिर उनके कान में उनके वरिष्ठ नेता ने कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, फिर वो सुधार कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता दुर्भाग्य क्या होता है और सौभाग्य क्या होता है। और दुर्भाग्य इस देश का कि इस प्रकार के नेतृत्व ने दुनिया के अंदर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम किया। जिस दुनिया में नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के युद्ध का समाधान निकल सकता है, और उधर राहुल गांधी जाकर के जिस प्रकार से भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, ये सांसद हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं, 50 मिनट तक आपको बोलने का अवसर मिल रहा है और आप कह रहे मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कहां जा रहे हैं? दुनिया के अंदर जाकर के कह रहे हैं। शर्मानी चाहिए आपको, माफी इस देश से मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। ये कांग्रेस है, 24 घंटे झूठ पर काम नहीं चलता। मोदी जी के नेतृत्व में देश आज जिस प्रकार से हर समाज वर्ग को साथ में लेकर के सबका साथ सबके विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर जो काम कर रहा है, तुम्हारे झूठ से न प्रदेश चलेगा न देश चलेगा। ये जनता कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।